कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शख्स से, वो अपने हाथ में गन लिए हुए घुसा है एक बच्चे के कमरे में। वो इस बच्चे को मारने आया है, तभी यहाँ कुछ हलचल होती है। बच्चे की नींद खुल गई, वो समझ गया कि उसके फादर उसे मारने आए हैं। उसके फादर भी यहाँ इमोशनल होते हैं कि वो अपने ही बच्चे को मारने आया था। इसके बाद इस कहानी में प्रवेश होता है एक कपल का। जेसी और मार्क की मैरिड लाइफ से इन्हें एक बच्चा था सॉन, पर एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में वो डूब कर मर गया। तब से इस कपल को अपने बच्चे की बहुत याद आती है। इन्होंने 8 साल के कोडी को गोद लिया है। सोशल वर्कर नेटली ने इस कपल को इन्फॉर्म किया है कि कोडी की लाइफ की ट्रेजेडी है। जब वो महज 3 साल का था तभी उसके मदर की डेथ कैंसर की वजह से हो गई। इसके बाद कोडी को 2 और कपल ने अडॉप्ट किया, पर वे कपल कोडी को खुश नहीं रख पाए, यानी वो कोडी को पालने में कामयाब नहीं हो पाए। पर मार्क और जेसी को पूरी उम्मीद है कि वे कोडी की परवरिश बड़े अच्छे से करेंगे। वैसे भी अब कोडी के अलावा इनके पास खुश रहने के लिए कोई नहीं है। ये बच्चा बड़ा प्यारा है। जेसी तो इसमें शॉन की इमेज भी देख लिया करती है। सब कुछ ठीक चल रहा है। कोडी जब सोने जाता है तब उसने एक सपना देखा। इस बारे में वो जेसी को बता रहा है। वो बताता है कि उसने सपने में एक बड़ा अजीब सा शख्स देखा। ये कोई कैंकर मैन था। जेसी उसे समझाते हुए कहती है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं, ये सब तुम्हारे ख्यालात हैं। वो कैंकर मैन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी रात को जेसी और मार्क देखते हैं कि इनके घर में रंग बिरंगी तितलियाँ आ गई हैं। ये तितलियाँ इनके पूरे लिविंग रूम में फैल गई हैं। ये सब देखकर ये कपल हैरान है। कोडी को तितलियाँ बड़ी पसंद हैं। मार्क को ये बात अच्छे से मालूम है। कोडी को गिफ्ट देने के लिए मार्क ब्लू कलर की तितली को कैप्चर करने की कोशिश करता है। कोडी की नींद खुल गई और तितलियाँ गायब हो गई। कभी कभी तो जेसी को लगता है कि कोडी में कुछ स्पेशल पावर्स हैं। उसमें जेसी को शॉन की इमेज दिख जाती है। कोडी के सपनों के जरिए शॉन यहाँ आता है। ये सारी चीज़ें अब जेसी को महसूस हो रही हैं। जेसी इस बारे में अपने थेरेपी सेशन में बताती है। थेरेपिस्ट कहता है कि ये सब जेसी के ख्याली पुलाव हैं। शॉन मर चुका है, पर जेसी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, इसलिए उसे कोडी के जरिए शॉन को देखने का बहाना मिल गया है। स्कूल में कोडी ने दोस्ती की है एनी नाम की लड़की से। जैसे ही कोडी एनी से दोस्ती बढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट आकर कोडी को परेशान करता है। कोडी उसे हिट कर देता है। इस तरह कोडी के वायलेंट बिहेवियर का यहाँ हमें पता चलता है। घर पर कोडी देखता है कि लिविंग रूम में बच्चे की तस्वीर है। मार्क बताता है कि यह शॉन की तस्वीर है। इसके बाद कोडी सो गया। रात को ये कपल जब सोता है तब दोनों आपस में संभोग करते हैं। इसी दौरान इनकी नज़र रूम में दूसरी तरफ जाती है। इन्हें यहाँ शॉन दिखा है। दोनों शॉन के पास जाते हैं, ये उसे हग करते हैं। पर इधर कोडी की नींद खुल गई और शॉन गायब हो गया। यानी कोडी के ड्रीम्स में पावर है। वो जिसे भी सोने से पहले देखता है, ड्रीम्स में जाकर वो उस शख्स को रियल में ला सकता है। पर ये सब तभी तक के लिए हो सकता है जब तक कि कोडी सो रहा हो। जेसी को भी कोडी के इस स्पेशल गिफ्ट के बारे में पता चल चुका है। वो इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। वो कोडी को शॉन की वीडियोस दिखाती है। इस तरह जेसी का मरा हुआ बेटा अपीयर होने लगा। वो आता है और वीडियो में जैसा हुआ है वैसा एक्ट करने लगता है। जेसी इस बहाने अब शॉन को देख लेती है। अपनी थेरेपी में वो इस बारे में बता रही है कि वो शॉन को देख सकती है। थेरेपिस्ट उसे वार्न करता है कि ये सब उसके ख्यालात हैं। मार्क भी जेसी को वार्न करता है कि जेसी कोडी की स्पेशल पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। उसे समझाती है कि जेसी कोडी से प्यार दिखा सकती है। अब भला कोडी के जरिए शॉन को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? ऐसे में जेसी कोडी को अपने प्यार से महरूम भी तो कर रही है। मार्क ने शॉन की तस्वीर अब यहाँ से हटा दी है। कोडी अगले दिन स्कूल में सो गया है। कैंकर मैन उसे मारने लगा। अंत में कैंकर मैन ने उस बच्चे को निगल लिया। एनी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही है। वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ से कोडी की नींद खुल गई और कैंकर मैन गायब हो गया। इधर जेसी भी डॉक्टर के पास जाती है। वो कहती है कि उसके बेटे कोडी को सोने में प्रॉब्लम है, उसे इंसोमनिया है। डॉक्टर उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जेसी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो इस मेडिसिन को कोडी के ड्रिंक में मिक्स करती है। मार्क इन सब बातों से अनजान है। रात को जब कोडी सो रहा है तब शॉन यहाँ अपीयर होता है, पर इस बार वो एक मॉन्स्टर की शक्ल में आया है। मार्क समझ चुका है कि कोडी के ड्रीम का क्या असर है। वो कोडी को जगाने की कोशिश करता है, पर कैंकर मैन मार्क पर हमला करता है। वो मार्क को निगल गया। उसने जेसी को भी हिट किया। जेसी बेहोश हो गई।
जब वो होश में आई है तब उसने पुलिस को फोन किया। माँ का गायब हो जाना और इस घर में चीजें बिखरे होना, जैसी का बेहोश हो जाना, इन सब से पुलिस ने फिगर आउट किया है कि इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। सिर्फ कोडी है जिसे कुछ नहीं हुआ। अब कोडी को ऑर्फनेज ले जाया जा रहा है। जैसी नेटली से हेल्प मांगती है, वो जानना चाहती है कि आखिर कोडी का सच है क्या, उसके पास ये पावर आई कहाँ से। वो कोडी की फाइल चुरा लेती है। कोडी को जिस कपल ने पास में अडॉप्ट किया था, जैसी ये पाती है कि वेलन यंग नाम के शख्स ने कोडी को अडॉप्ट किया था। यंग वही शख्स है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में गन के साथ दिखा था, क्योंकि कोडी पर गन चलाने आया था। जैसी उसे मिलने जाती है, वो जैसी को बताता है कि उसकी वाइफ भी बीमार पड़ गई थी। कोडी को ऐसा लगा कि उसकी रियल मदर बीमार हुई है, और इसके बाद यंग की वाइफ भी वैसे ही गायब हो गई जैसे कि माँ गायब हुआ है। यंग कहता है कि कोडी ने अपने ड्रीम के जरिए यंग की वाइफ को लाया भी, पर वो सिर्फ एक रेप्लिका थी, रियल में वो यंग की वाइफ नहीं थी। ये सब जानकर यंग ने ठान लिया कि वो कोडी को ही समाप्त कर देगा। ना रहेगा कोडी, ना ही वो सपने देखेगा, और ना ही और लोग मरेंगे। इसलिए वो गन लेकर उसे मारने गया था, पर ऐसा कर नहीं पाया। यंग जैसी को आइडिया देता है कि कोडी को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसी ने यह आइडिया खारिज कर दिया है। जैसी अब कोडी के रियल मदर के बारे में जानना चाहती है, शायद उसे कोई क्लू मिल जाए। वो कोडी के बेड के नीचे एक बॉक्स पाती है। इसमें कोडी के रियल मदर की एक डायरी है, इसके साथ ही एक पिलो है बटरफ्लाई के शेप का। अब जैसी को सब कुछ समझ आ गया है। वो पहुंची है कोडी के ऑर्फनेज। रात के अंधेरे में कोडी का सपना जारी है, बाकी बच्चे वॉल से बंधे हैं। कोडी के साथ उसकी मदर भी है जो कि मॉन्स्टर की शक्ल में है। कोडी भी मॉन्स्टर के रूप में है। कैंकर मैन जैसी पर अटैक करता है। जैसी यहाँ उस बटरफ्लाई शेप पिलो को लाई है, वो इसे कैंकर मैन को दिखाती है। ये देखकर कैंकर धीरे धीरे वास्तविक कोडी के रूप में आ गया। अब कोडी नॉर्मल हो चुका है। यहाँ में दिखाया जाता है कि कोडी की माँ किस तरह कैंसर की वजह से बीमार थी। कोडी को उसकी मदर के सामने लाया गया था। उस समय कोडी की मदर जैसी दिख रही थी। कुछ वैसे इमेज कैंकर मैन के रूप में कोडी के सपनों के जरिए आती है। कोडी ने अपनी मदर को जिस रूप में देखा, वो छवि उसके दिलो दिमाग में बस गई, और फिर ये सपने शुरू हो गए। अब ये ज़रूरी है कि कोडी के दिलो दिमाग से उस छवि को निकाला जाए। जैसे उसे उसकी माँ की डायरी दिखाती है, वो कहती है कि उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती थी, पर उनको कैंसर था। कोडी ने कैंसर वर्ड को कैंकर पढ़ लिया था, और फिर कैंकर मैन की इमेज उसे ड्रीम में आने लगी। अपनी मदर की डायरी देकर अब धीरे धीरे कोडी ने अपनी मदर की कैंसर से पीड़ित बीमार औरत की इमेज को भुला दिया है, और अब वो नॉर्मल हो गया है। उसने जैसी को अपनी नई मदर के रूप में स्वीकार कर लिया है। जैसी जिसने कि अपने पति मार्क को खो दिया है, पर अब उसके पास कोडी है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।